भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट पे बॉल छेड़छाड़ का आरोप रविंद्र जडेजा पर लगा है, जाने क्या है पूरा मामला। दोस्तों, नागपुर टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए। अब पहले दिन के खेल को लेकर सोशल मीडिया पर जडेजा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बहाने माइकल वॉन और टीम पेन ने जडेजा की बॉलिंग पर सवाल खड़े किए हैं। यह दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी बने रहिएगा आप इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार खेल दिखाया। चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए। इसका नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में सिर्फ 177 रन पे सिमट गई। पहले दिन की खेल को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है रविंद्र जडेजा से संबंधित। इस वीडियो में दिख रहा है कि जडेजा एक मौके पर गेंद फेंकने से पहले साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं, उनसे कुछ लेकर अपनी उंगलियों में लगाने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने ये वीडियो शेयर किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन कमेंट करने में कहां पीछे रहने वाले थे। माइकल वॉन ने फॉक्स एक्सपोर्ट पे ट्वीट को शेयर करते लिखा, वह अपने स्पिनिंग फिंगर पे क्या लगा रहे, ऐसा कभी नहीं देखा। जिस समय का यह वीडियो है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पे 120 रन था। कंगारू टीम की ओर से उस समय एलेक्स केरी और पीटर हैंड्सकॉम बल्लेबाजी कर रहे थे। यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि जडेजा अपने उंगलियों में क्या लगाया था, लेकिन फुटेज देखने से पता चलता है कि जडेजा ने अपने उंगलियों को राहत देने के लिए शायद कोई मरहम लगाया था। वैसे माइकल वॉन और टीम पेन की कमेंट से पता चलता है कि विदेशी खिलाड़ियों एवं ऑस्ट्रेलिया मीडिया को जडेजा की कामयाबी रास नहीं आ रही है और उन्होंने भारतीय क्रिकेटर पर एक तरह से बॉल टेम्परिंग का आरोप मढ़ने की कोशिश की है। दोस्तों देखा जाए तो बॉल टेम्परिंग को लेकर विदेशी खिलाड़ियों का पुराना इतिहास रहा है। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और डेवन वार्नर पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया था। वहीं कैमरन बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था। टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब बॉल टेम्परिंग को लेकर 2 खिलाड़ियों पर 1-1 साल का बैन लगा हो।